हमारी जो फीमेल्स हैं वो शायद ज़्यादा हमें इसका इसका डेटा है हमारे पास, ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं लाते हैं। मेरी ज़रूर कोशिश होगी कि मैं गाइड करूं उनको, मैं ये देखूं कि हमारी फीमेल्स भी ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी हमको सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए करना है, रिसर्च वहाँ पे हो। डेफिनेटली जो मेरा पहला इम्प्रेशन है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन आवर स्टेट। डेफिनेटली कि अगर कहीं पे किसी लेडी में कोई स्किल है, मुझ में नहीं है, बाकियों में भी बहुत होगा, सिर्फ मैं ही एक नहीं होंगी। वी हैव सो मैनी अदर वुमेन जिनमें ये स्किल है, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। अपने जो हमारे टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उनको हमने और रिव्यू करना है, और जहाँ पे बदलाव ना आना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमको इंट्रोड्यूस करने, चाहे मेल्स के लिए करने, चाहे फीमेल्स के लिए करना है, तो डेफिनेटली विल बी मूविंग अहेड एंड डू द चेंजेस। अभी ज़्यादा फीमेल्स हमारे जो है हायर लेवल पे नहीं है, इसमें डेटा भी कितना है कि एक ग्लास सीलिंग है। तो मैं ये बोलूँगी बाय मी गोइंग एज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एक ग्लास सीलिंग जो है वो उसको तोड़ा गया है। बाकी चीज़ें मैंने ये देखा कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो शायद ज़्यादा हमें इसका इसका डेटा है हमारे पास, ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं लाते हैं। मेरी ज़रूर कोशिश होगी कि मैं गाइड करूं उनको, मैं ये देखूं कि हमारी फ़ीमेल्स भी ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाएं यूनिवर्सिटी में, ताकि वो भी आगे बढ़ें। हमारे आगे जो नैक एक्रेडिटेशन है 2024 में है, उसके लिए हम काम करें, आगे और अच्छा ग्रेड लाए, हमारी जो नेशनल रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करें। तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन ऑल दिस। JNK में काफ़ी सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए थे तब वुमेन स्टडी सेंटर के, बट जो जिसने सस्टेन किया और जो आगे बढ़ा वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वुमेन स्टडी सेंटर है। इंशाल्लाह हाँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी हमको सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए करना है, रिसर्च वहाँ पे हो पर्टेनिंग टू जेंडर स्टडीज़, या कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स हो, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, आगे ज़रूर हम उसको ये चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेटर हो, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ बेटर हो, बाकी जो IT फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर हो, फैकल्टी अच्छी हो, विल डेफिनेटली डू इट। यूनिवर्सिटी हैज़ अ प्लान कि इन सब को हम कंडेंस करके वील हैव अ बेटर स्किल डेवलपमेंट स्कूल हमारे यूथ के लिए। अभी भी काफ़ी चल रहे हैं, लड़कियों के भी लिए भी रहेगा और लड़कों के लिए भी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आई एम एलुमनाई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। मैंने वुमेंस कॉलेज MA रोड से पढ़ा है, PhD मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स, इनफैक्ट हमारा होम साइंस का पहला बैच था, और स्कूलिंग मैंने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जम्मू से की है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर से की है। आई ज्वाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 1985 में एज लेक्चरर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनी। इनफैक्ट मैं पहली वुमेन प्रोफेसर थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बनी, आई वाज द फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर। फिर उसके बाद मैं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, पहली वुमेन थी जिसने 8-9 साल काम किया। उसके बाद आई वेंट एज डीन अप्लाइड साइंस अगेन एज फर्स्ट वुमेन, देन डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल एज फर्स्ट वुमेन, एज रजिस्ट्रार फर्स्ट वुमेन, इंचार्ज वाइस चांसलर एज फर्स्ट वुमेन, एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज़ माई जर्नी, एंड आई एम श्योर कि हमारी यूथ में इतना टैलेंट है, दे कैन एक्सेल एनीवेयर।